नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जुनी इंदौर थाना क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसमें विशेष समुदाय के युवक द्वारा युवती पर शादी का दबाव बनाने, दुष्कर्म करने और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल एसपी राजेश व्यास ने जानकारी देते हुए बताया कि जुनी इंदौर थाने पर आकर एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई कि गुलजार कॉलोनी में रहने वाले इंतकाब अहमद नामक युवक ने युवती से दोस्ती की और उसके बाद उसके फोटो वायरल करने की बात कहकर शारीरिक शोषण किया। साथ ही अब शादी का दबाव बनाने के साथ धर्म परिवर्तन को कह रहा है। युवती की शिकायत पर जुनी इंदौर थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, ऐसा है कि जुनी इंदौर में परसों एक बच्ची ने आकर थाने पर सूचना दी थी कि एक व्यक्ति है, उसका नाम है इंतकाब अहमद, जो गुलजार कॉलोनी का रहने वाला है। वो उसके साथ में स्कूल में भी पढ़ा था और वो कई दिनों से उसको परेशान कर रहा है, उसको दोस्ती का बोलकर उसके साथ में उसने कुछ वीडियोस भी बनाए हैं, कुछ अश्लील फोटोग्राफ्स भी लिए हैं और लगातार उसको ब्लैकमेल करना और उसको धमकी देना और शादी के लिए बोलना और साथ ही उसका शारीरिक शोषण करना, इस सब हरकतें उसने की है। और अभी रिसेंटली उसके साथ ये भी बोला गया कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले। तो पुलिस ने जो भी धाराएं लगती है 376, 370, 450, 323, 506, 354C और पॉक्सो एक्ट की, और इन सभी धाराओं में पुलिस ने अपराध कायम किया है और जो व्यक्ति इंतकाब अहमद है इसको हमने गिरफ्तार कर इसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।